जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 17 सितंबर 2019 दिन मंगलवार, अश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तृतीया तिथि दोपहर 4:33 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर 12:40 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:18 से लेकर शाम 4:49 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज विवाहित लोग अपने आप को विशेष तौर पर लकी महसूस करेंगे, क्योंकि आज उनकी किस्मत उनका भरपूर साथ देगी और उनकी मन मुताबिक सभी चीजें होने से आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज आप अपने लाइफ पार्टनर को भी खुश रखेंगे और उनकी मन की बातें आज समझ पाने से आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आज होटल और रेस्टोरेंट्स के मालिकों के लिए शुभ दिन है। आज आम दिनों के मुकाबले दुगने कस्टमर्स आने से आपकी इनकम में इजाफा होगा, परंतु आज आपको रात में चैन की नींद लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बुरे सपने आने से आज आपकी नींद बार बार भंग होगी। आज आपको अपनी माता जी की कोई बात बुरी लग सकती है, परंतु आप किसी भी हालत में उनको लौट कर जवाब ना दें, अन्यथा आप भाग्यहीन हो जाएंगे। आज आप मीठा भोजन करें और मीठे चावल या मिठाइयां बच्चों को बांटें। आज अपने मित्रों को घर पे आमंत्रित करके उनका स्वागत दूध से करें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वालों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप नौकरी की वजह से परेशान है, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ में
रत्नों की अंगूठियां नहीं पहनना चाहते हैं तो आप 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की सर्व मनोकामना सिद्धि माला किसी योग के पंडित से मंत्र सिद्ध कराकर धारण कर सकते हैं। ये माला थोड़ी महंगी पड़ती है और ज्यादातर अमीर लोग ही इसे पहन पाते हैं। इस माला को आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर Amazon वेबसाइट के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप किसी भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हुए हैं तो आज आपका पक्ष उसमें भारी हो सकता है या मुकदमे में आपकी जीत भी हो सकती है। आज आप मुकदमे पे जाते वक्त अपने साथ थोड़े चावल लेकर जाएं। चावल को कचहरी में ही कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा है उसके बाहर फेंकेंगे तो ये उपाय ज्यादा फलदायी होगा। परंतु याद रहे, चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते वक्त कोई भी आपको नहीं देखे, अन्यथा इस उपाय को करना विफल हो जाएगा। यदि आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक आप करते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपको फायदा महसूस होगा। कहां से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनीश ऋषि जी के पास और गुरु मां रुक्मणी जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी मतलब नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स पहनाई? रिंग्स दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है, और 100% पॉजिटिव हुआ है। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले, और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाग पहनाए, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जो आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है?
क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें